नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मैकेनिक प्रदीप। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो XCMG का व्हील लोडर है उसका जो पॉपुलर शाफ्ट है दोस्तों वो टूट गया है दोस्तों, उसको हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो मार्केट में जो स्पाइडर किट है उसमें जो बेयरिंग लगता है उसका नाम स्पाइडर किट है, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी देसी जुगाड़ करूंगा उसमें, और देसी जुगाड़ करके दोस्तों अपना तरीका से और अपना टेक्निक से उसे मैं रेडी करूंगा। तो कैसे करेंगे हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों बता दूं, जो उसमें स्पाइडर किट लगाने जा रहे हैं वो टाटा गाड़ियाँ का है, और उसे आप देसी भाषा में चौकड़ी भी बोल सकते हैं या क्रॉस बोल सकते हैं या शाफ्ट। तो उसका नाम दोस्तों पॉपुलर शाफ्ट है और उसका जो किट है वो स्पाइडर किट नाम है। तो आप देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर कहीं काम फंस गया हो तो आप देसी तरीके से उसे तैयार करके और गाड़ी को या कुछ भी हो तो रेडी कर सकते हैं आप। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है स्पाइडर किट, और यहाँ पे इस तरह से इसमें डाल के देख सकते हैं, देख रहे हैं हम। तो इसमें नहीं जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका होल जो है वो छोटा था, और ये जो बेयरिंग है ये दूसरा बेयरिंग है दोस्तों। तो मैं इसको इस तरह से खींच कर और जुगाड़ बनाना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा घिसना पड़ता है इसको, और घिस के इस तरह से इसका जो होल है उसे चौड़ा करना है। उसके बाद दोस्तों ये स्पाइडर किट जो है इसके अंदर में डाल के देखना है इस तरह से फ्री जा रहा है या नहीं। तो क्योंकि दोस्तों इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देसी जुगाड़ जो है वो अपना तरीका से बनाना है इसको। तो अभी जुगाड़ करके हम बना रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो स्पाइडर किट है वो इस तरह से लेके और इसमें बेयरिंग में एक एक करके ग्रीस डाल लेना है आपको थोड़ा सा अलग से, क्योंकि उसमें थोड़ा ग्रीस कम आता है तो आपको और इसमें डाल लेना है, क्योंकि इसका जो लाइफ है वो थोड़ा ज़्यादा देगा। तो दोस्तों इस तरह से लगा लें ग्रीस को, और इसका जो चौकड़ी है इसको इस तरह से अंदर में डाल के, दोस्तों आप देसी भाषा में इसको चौकड़ी भी बोल सकते हैं या इसका जो नाम है वो स्पाइडर किट है, और आप अपना समझने के ऊपर है, आप जैसे बोल सकते हैं बस आपको समझ में आना चाहिए। तो देख सकते हैं एक एक करके इस तरह से डाल लेना आपको बेयरिंग को साइड साइड से, और डालने के बाद दोस्तों इसको फिट कर लेना है। तो चलिए इसे डाल लेते हैं एक एक करके हम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत आसानी से एक एक करके फ्री चला जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि ये तो नहीं चले गए, तो ऐसे ही बहुत फ्री चला जा रहा है आर पार। तो दोस्तों इस तरह से हम किए हैं इसको घिस घिस कर, क्योंकि इसके ऊपर अभी जुगाड़ करके और वेल्डिंग मारना है, क्योंकि ये जो स्पाइडर किट है वो इसका नहीं है, ये टाटा गाड़ियों का है। तो इसको जुगाड़ कर रहे हैं हम। तो दोस्तों इसी को देसी जुगाड़ कहते हैं, कि आप किस तरह से अपना दिमाग लगा के और काम कर सकते हैं और किस तरह से आप रेडी कर सकते हैं इसको। तो वही किए हैं हम अभी इस वीडियो में, और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से चला गया। और अब जो है इस देख सकते हैं एक चारों लग गया, और इसका लॉक लगा लेना हमें ऊपर से, और लॉक के ऊपर दोस्तों प्लेट रख के और वेल्डिंग करना है। तो अभी ये हो गया है कंप्लीट, और अब चलते हैं इसको लॉक लगा लेते हैं एक एक करके और मार लेते हैं इसको वेल्डिंग। तो ये देख सकते हैं इस तरह से प्लेट को ऊपर में रख के और इसे वेल्डिंग कर लेना है, ताकि बेयरिंग जो है ये बाहर की साइड ना आ जाए, इसलिए इसको इस तरह से प्लेट काट काट के और ऊपर में रख के और वेल्डिंग कर दिए हैं चारों तरफ से। तो देख सकते हैं दोस्तों चारों में एक एक प्लेट ऊपर से रख के और वेल्डिंग कर लेना है फुल, उसके बाद हो जाएगा आपका रेडी। तो दिखाते हैं हम, पहले वेल्डिंग कर लेते हैं कंप्लीट फटाफट। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वेल्डिंग पूरा हो गया है, और पूरा होने के बाद इस तरह से लग रहा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये मजबूत बन गया है। और अब जो है टूटेगा भी तो फिर से ऐसे ही जुगाड़ करना है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो